अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़िया तबारक और आज ईद का दिन है और मेरी तरफ़ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दिन एक तोहफ़ा होता है, पूरे रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के बाद ये दिन खुशियों का होता है, खुशी मनाने के लिए होता है, मज़े मज़े के खाने खाने के लिए होता है और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ शेयर करने के लिए भी होता है। ईद के सारा दिन ही कुछ ना कुछ मज़े मज़े के पकवान बनते रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती रहती हैं और आज हमारे यहाँ भी कुछ स्पेशल डिशेस बनी हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह बने हैं, जिनमें से एक चीज़ है जिसकी मैं आप लोगों को रेसिपी दिखाऊंगा, वो है चिकन लज़ानिया। इसके अलावा चिकन विंग्स हैं, शीर कोरमा है और दिखाऊँगा कि ये चिकन लज़ानिया किस तरह से बनता है और सेलिब्रेट करूँगा आप लोगों के साथ अपनी ईद। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि ये इस दफ़ा की ईद वैसी नहीं है जैसी कि हर दफ़ा हुआ करती थी। बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से अपनी जान से जा चुके हैं, बहुत सारे लोग अस्पतालों में हैं। साल के शुरू में ऑस्ट्रेलिया में आग लगी हुई थी, अभी 4-5 दिन पहले इंडिया में, वेस्ट बंगाल में तूफ़ान आया, बांग्लादेश में तूफ़ान आया और अभी कराची के अंदर PIA की फ़्लाइट क्रैश हो गई जिसमें 97 लोग अपनी जान से चले गए। तो हमें खुशियां तो मनानी हैं लेकिन साथ में दुआ भी करनी है उन सब लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, जो मुसीबत में हैं, और अपनी खुशियों में उन्हें भी शरीक करना है। रमज़ान की वीडियो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी और आप लोगों ने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ इस तरह की और रेसिपीज़ शेयर करूं, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये कुछ रेसिपीज़ और दिखाऊंगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें बन रही हैं। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा रोल बैक करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा चांद रात पे, और क्योंकि चांद रात पे जो है वो तैयारी शुरू हो जाती है, तो ज़रा रोल बैक करते हैं और चलते हैं चांद रात पे। चलें, ओके। तो आज चांद रात है और चांद का ऐलान हुआ है काफ़ी देर से, और जैसे ही चांद का ऐलान हुआ है तो घर के अंदर इमरजेंसी लग गई है, क्योंकि जो ईद के पकवान होते हैं, जो ईद की तैयारी होती है, वो चांद रात से ही शुरू हो जाती है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी हाईलाइट है आज की चिकन लज़ानिया और चिकन विंग्स और शीर कोरमा तो ईद पे होता ही है। देखते हैं कि सबसे पहले कि चिकन विंग्स के अंदर हम क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डाल रहे हैं, चेक करते हैं। अच्छा भाई, अभी हम बना रहे हैं चिकन विंग्स और ये चिकन विंग्स मैं बाहर से लेकर आया हूँ, ये स्किन समेत हैं और इसको हम करेंगे हाफ। चिकन विंग्स जो है वो बड़ी अच्छे लगते हैं मुझको। इसके अंदर हम क्या मसाला क्या डालेंगे, क्या चीज़ करेंगे? नमक, काली मिर्चें, सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, लहसुन अदरक, ये हम डालेंगे इसके अंदर चिली सॉस। और अब हम इसमें डालेंगे सिरका, विनेगर। सोया सॉस, ये आ गया लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्चें, सॉल्ट, और अब हम इसको करेंगे मिक्स। अच्छा भाई, हमने ये मसाला सारा लगा दिया है, इंग्रेडिएंट्स, और अब हम इसको एक घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मैदे की कोटिंग करके इसको डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छा भाई, जब तक ये मैरिनेशन हो रही है विंग्स के अंदर, हम लज़ानिया शीट्स के लिए पानी को बॉयल कर लेते हैं और शीर कोरमे के लिए ज़रा दूध को भी उबलने के लिए रख देते हैं और फिर बाकी प्रिपरेशन करते हैं लज़ानिया की। पानी हमने रख दिया है लज़ानिया शीट्स को बॉयल करने के लिए और इसके अंदर हम डालेंगे ये थोड़ा सा ऑयल, 2 चमचे ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे ये नमक और इसको बॉयल करने के लिए, पानी को बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके अंदर लज़ानिया शीट्स डाल देंगे। अच्छा भाई, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन लज़ानिया के लिए। 1/2 kg बोनलेस चिकन, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, टोमेटो केचप और टोमेटो पेस्ट, और ये हर्ब्स हैं, ये कोई भी पिज़्ज़ा की हर्ब्स जो आपको बाज़ार में मिलती हैं, इटालियन सीजनिंग पिज़्ज़ा हर्ब्स, ये आपको वो हर्ब्स इसके अंदर थोड़ी सी डालनी पड़ेंगी और इन सारी चीज़ों को हम चॉप कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि लज़ानिया कैसे बनता है। ओके,
तो मैरिनेशन हमारी हो चुकी है और इसके अंदर हमने थोड़ा सा चाट का मसाला भी ऐड किया है और यहाँ पे रखा हुआ है ये मैदा। अब हम इस मैदे के अंदर इसको डिप करेंगे और रख लेंगे ट्रे के अंदर। तो विंग्स की कोटिंग कर ली हमने मैदे के अंदर, आज तो चांद रात है, इसको फ्रीज कर देंगे और सुबह इंशाल्लाह ताला इसको फिर डीप फ्राई करेंगे। ओके, दूध हमारा जो है वो उबल चुका है, इसके अंदर हमने डाली है भाई 2-3 इलायचियाँ और यहाँ पे सेवैयाँ रखी हुई हैं, इसको हम करेंगे फ्राई। सेवैयों को भाई अच्छी तरीके से ऑयल डाल के फ्राई कर लें ताकि उसको फ्राई करने के बाद उसको हम डालेंगे दूध के अंदर। इसमें हम डालेंगे एक कप चीनी, छुआरे जो है वो हमने भिगो के रखे हुए हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपीज शूट कर रहा हूँ ना किचन के अंदर, इससे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि भाई किचन के अंदर हमारे घरों की ख़वातीन जो है वो किस तरह से काम करती हैं। स्ट्रीट फूड की बात अलग होती है लेकिन घरों के अंदर किचन की बात अलग होती है और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे भी शूट करके। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि मैं ख़ुद भी आप लोगों के लिए किचन के अंदर खड़े होकर ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं ख़ुद भी शेफ़ बन जाऊँगा। ये है भाई लज़ानिया शीट्स, जिस तरह से मैक्रोनी और नूडल्स वगैरह मिलते हैं बाज़ार में पैकेट के, उसी तरह से ये लज़ानिया शीट्स हैं। और यहाँ पे ये पानी जो है वो बॉयल हो चुका है और इसके अंदर हम डालेंगे ये लज़ानिया शीट्स। ओके, तो शीर कोरमे के अंदर जो है ना अच्छा खासा उबाल आ गया है, सेवैयाँ भी इसकी काफ़ी अभी सॉफ्ट हो गई हैं और अब इसके अंदर हम थोड़े से मेवे जो है वो ऐड कर देंगे जो हमने ऑलरेडी काट के रखे हुए थे, पिस्ते बादाम वगैरह। थोड़ी देर इसको पकने देंगे यहाँ तक कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए और जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया। इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल ताकि ये आपस में चिपक ना जाए। शीट्स हमारी रेडी हो गई हैं। ओके, तो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे रेडी हो गई हैं और अब हम लज़ानिया के चिकन को रेडी करेंगे। पैन के अंदर ऑयल डालेंगे, 2 स्पून ऑयल इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर हम अनियन ऐड करेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें गार्लिक, अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन, प्याज और लहसुन को हमने थोड़ा सा भून लिया और उसके बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर दी। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको हम ऐड करेंगे टमाटर, एक एक करके चीज़ें इसके अंदर डालते जाएं और उसको फिर थोड़ा थोड़ा भूनते जाएं साथ साथ। इसमें हम ऐड कर रहे हैं भाई टमाटो केचप। टमाटर क्योंकि थोड़े से इसके अंदर मैरिनेट होते जा रहे हैं, पकते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चिकन जूसी होती जा रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी इसके अंदर आना शुरू हो गई है, मुँह में अभी से पानी आ रहा है हल्का हल्का। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, सॉल्ट के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये छोटी मिर्च और अब इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। ये नमक, मिर्च और काली मिर्च जो है ना ये आप अपना हसब ज़ायका ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं भाई ये हर्ब्स, शिमला मिर्च, हर्ब्स डालने के बाद ऐड करेंगे ये हम शिमला मिर्च। चिकन हमारी ड्राई भी हो गई है और शिमला मिर्च हमने एंड में इसीलिए डाले कि इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, तो शिमला मिर्च के बाद हमने एंड में ऐड किया है टोमेटो पेस्ट। अच्छा भाई, हमारा चिकन का कीमा रेडी हो गया है और इसकी असेंबलिंग होगी, तो असेंबलिंग के लिए हमें सॉस बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए है 2.5 कप दूध, वाइट पेपर, मैदा और थोड़ा सा मक्खन। मक्खन डालेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डालेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, मेल्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम दूध डालेंगे और दूध को हम ग्रेजुअली डालेंगे ताकि हमारा जो सॉस है उसके अंदर गुठलियाँ ना बन जाए। काफ़ी थिक हो गया है ये और अब इसके अंदर अब ऐड कर रहे हैं ये वाइट पेपर, ये सॉल्ट। ओके, तो सॉस हो गया रेडी और यहाँ पे हमारे पास है ये मोज़रेला चीज़, कॉटेज चीज़ और इस चीज़ को हम करेंगे यहाँ पे श्रेड।
हाँ भाई, ये जो लाजानिया की रेसिपी है ना, ये तो देख के मुझे बड़ा ही मज़ा आया। आज थॉरली मैंने देखा कि किस तरह से ये बनती है। तो अभी इसकी असेंबलिंग करते हैं, डिश को ज़रा सेव करके रख देते हैं और सुबह मिलते हैं आपसे ईद पे। अच्छा भाई, अब इसकी जो असेंबलिंग है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और असेंबलिंग इसकी इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम डिश के अंदर लगाएंगे ऑयल, और ऑयल लगाने के बाद हम लगाएंगे ये वाइट सॉस। वाइट सॉस लगाने के बाद हम लगाएंगे ये शीट्स, और शीट्स के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे चिकन। और उसके बाद फिर हम डालेंगे चीज़, और उसके बाद फिर से दोबारा से इसे प्रोसेस होगा। सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ भाई, चांद रात की तैयारी तो आप लोगों ने देख ली है, और चीज़ें हमने रात में ही रेडी कर दी थी। बस अब लज़ानिया को बेक करना है, ओवन में डालना है, विंग्स को फ्राई करना है, शीर कोरमे को थोड़ा सा गार्निश करना है, और फिर उनको आप लोगों के साथ ट्राई करना है। ये है वो मेन डिश जिसकी मैंने आपको रेसिपी बताई, चिकन लज़ानिया। साथ में हमारे हैं ये होममेड चपली कबाब, चिकन क्रोकेट्स और चिकन विंग्स। ये है शीर खुरमा, मिठाई और कुछ निमको भी हैं। हाँ जी, तो सारी चीज़ें हमारी टेबल के ऊपर आ चुकी हैं, और जिस तरह मुझे इफ्तार करके आप लोगों के साथ मज़ा आया था, उसी तरह ईद में भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ मैं ज़रा ईद मना रहा हूँ। ईद है तो बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले शीर खोरमे के साथ। शीर खोरमे में भाई बादाम पिस्ते बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, और छुआरे भी इसके अंदर होते हैं। कुछ हो ना हो, लेकिन ईद के ऊपर शीर खोरमा होना तो बहुत ही ज़रूरी है। शीर खोरमा बहुत ही मज़ेदार है, और चीनी की क्वांटिटी बहुत मुनासिब है इसके अंदर, दूध भी काफ़ी थिक हो गया है। चौरे, बादाम पिस्ते, इलायची, सवैयाँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये है भाई हमारे घर के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चपली कबाब, होममेड। वाह, बहुत ही मज़ेदार, थोड़े स्पाइसी हैं, टमाटर भी हैं, अनारदाना भी है, चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार। ये है भाई वो चिकन विंग्स जिसकी मैंने आप लोगों को रेसिपी दिखाई थी, और बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी लग रहे हैं, और मैरिनेट किया था हमने इसको काफ़ी देर तक, तो टेस्ट जो है वो अंदर तक आ गया है, और अंदर से काफ़ी जूसी है, ऊपर से क्रिस्पी है। एक और आइटम है भाई ये चिकन क्रोकेट्स, इसके अंदर आलू होता है, चिकन होती है, चीज़ होता है, और उसको अंडे में लपेट के उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी डिश है ये। और अब आते हैं भाई अपनी इस मेन डिश के ऊपर, जो कि है चिकन लज़ानिया। और काफ़ी हैवी डिश होती है ये खाने में, खा के आपको काफ़ी फीलिंग होती है ये। ट्राई करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि भाई बहुत ही ज़बरदस्त चिकन लज़ानिया है, काफ़ी सारी इसकी लेयर्स हैं, और मैं क्योंकि दूसरी चीज़ें ट्राई कर रहा था तो ये जो है ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो गया, वरना इसके बहुत ज़बरदस्त तार बनते हैं, स्ट्रिंग्स बनते हैं चीज़ के जब हम इसको गरम गरम निकालते हैं, जैसे कि पिज़्ज़े में होता है। ये जो भाई डिश है ना, ये मुझे बहुत ही पसंद है, और मैंने ख़ास तौर पे फरमाइश की थी कि यार ईद पे मुझे अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ चिकन लज़ानिया की रेसिपी शेयर करनी है। वैसे तो लंच और डिनर के अंदर दूसरे आइटम जो रिवायती कोरमे वरमे बिरयानी वगैरह होती है वो बनते हैं, लेकिन मैंने लज़ानिया का ख़ास तौर पर इसीलिए किया था कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर सकूँ। इसके अंदर चीज़ होती है, मिल्क होता है, मक्खन होता है, काफ़ी सारा रिच इसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो टेस्ट भी इसका उसी हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त,
तो भाई इसी मज़ेदार से लज़ानिया और शीर खुरमे और चिकन विंग्स के साथ हमारी आज की इस एपिसोड का इख्तिताम हुआ, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ईद की पसंद आई होगी। और जो माहौल है उसके अंदर हम सभी अपने अपने घरों के अंदर ही ईद मना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले साल जो ईद हो वो अच्छी सी हो, और जो सानहे इस दफ़ा ईद के ऊपर हुए हैं और वैसे साल भर में हुए हैं, अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में हम सब महफूज रहें, सेफ़ रहें, और अल्लाह ताला का हम पर इसी तरह करम होता रहे। इन दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, और अगर लज़ानिया अपने घर में बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।